इलेक्शन हार जाएं और दूसरी कोई पार्टी जीत जाए तब वो मकबूलियत का पैमाना होते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे करम फरमा हैं जिनको मैंने कल सुना, उन्होंने कहा जी मकबूलियत का पैमाना ही नहीं होते। अगर ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान अपनी 2 महीने की हुकूमत के बाद हार जाए तो वो जो है वो ज़िमनी वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होता, लेकिन अगर हम जीत जाएं तो तब भी वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होता। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और ये अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को सुनने को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि धांधली का रोना शुरू है। आपने देखा है कि रोना पार्टी जो है, आज से मैंने उसका नाम नया रख दिया है और उसका नाम है रोना पार्टी। उनके मुकद्दर में रोना लिखा है, वो हुकूमत में थे तब भी रोते थे, वो बाहर निकले हैं तब भी रोते हैं, और अब अपने अमाल की बात जो है वो वैसे इनका रोना बनता है। और अब वो फॉर्म 45-47 का जो तमाशा और बहाना 8 फरवरी को इन्होंने क्रिएट किया था वो भी कल फना फिल्ला हो गया कि जो ये आवाम है उसने पहले भी 8 फरवरी के अंदर एक स्प्लिट मैंडेट दिया जो पाकिस्तान के लिए उतना तो खैर अच्छा मुनासिब साबित नहीं हुआ, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। लेकिन उसके बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, वो बिल्कुल तंदही के साथ, वो जाफिशानी के साथ पाकिस्तान की पंजाब की आवाम के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे सूडो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और ये जो हमारे इनकलाबी हैं, अब उनको अगर लगता है कि जूते पे 804 लिख के जो है वो इनकलाब ले आएंगे तो भाई शौक से ले आओ, जूते पे क्या माथे पे भी लिख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इमरान खान ने और ये फसाद पार्टी ने जो नया काम शुरू किया हुआ है, जो इदारों के ख़िलाफ़ ये साजिशें करने से बाज नहीं आते, वो बेशक IMF के ख़िलाफ़ जो है वो दफ्तर के बाहर एहतजाज करना हो, पाकिस्तान को जो है वो पैसे मिलने से रोकना हो, वो इदारों के सरबराहों के नाम ले लेकर, अब वो भी आपने देख लिया वो भी स्टोरी, वो हापिक दिया जी हापिक दिया और 3 कतरे डाल के दिए, मतलब बड़ा ही पागल था जिसने सरेआम बुशरा बीबी के मौक्ल के सामने 3 कतरे डाले थे, और उसके उस 3 कतरों के ऊपर जिसका अब मेडिकल बोर्ड जो है बाकायदा पूरे तमाम टेस्ट के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि मोहतरमा को जो है वो गैस्ट्रो की शिकायत थी सिर्फ, और उसके ऊपर उन्होंने इदारों के सरबराहों पर भी इल्ज़ाम लगा दिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको भी अच्छा रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और अभी भी मैं मौसूफ अंदर बैठ कर जो है वो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है कि जो है ये फितना फसाद पार्टी अपने अमाल पे गौर करे। ये कल का इलेक्शन ये एक ट्रेलर है, ये पंजाब के अवाम का फैसला है कि पंजाब के अवाम को अपने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं चाहिए, पंजाब के अवाम पाकिस्तान को पंजाब के शहरों को आग लगाना पसंद नहीं करते, पंजाब के अवाम मरियम नवाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस है जिसके ऊपर वो एयर एम्बुलेंस है, वो निगेबान रमज़ान पैकेज है, वो फ्री बाइक्स हैं, हमारे बच्चों के पास फ्री बाइक्स होनी चाहिए, हमारे बच्चों के पास लैपटॉप्स होने चाहिए, और ये पंजाब का फैसला है। और अगर अभी भी ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करते तो अभी तो मरियम नवाज शरीफ साहब को आए हुए 2 महीने जो है वो अभी नहीं हुए हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद जो तमाम उनके प्रोजेक्ट्स जब कंप्लीशन के करीब होंगे तब इस फितना फसाद पार्टी को मुंह छुपाने के लिए भी कहीं नहीं मिलेगा। और अभी भी कभी मजलूमियत कार्ड, कभी रोना कार्ड, कभी जो है वो दुख दर्द कार्ड, कभी जो है वो हार्पिक कार्ड, तो मुख्तलिफ कार्ड जो है वो उनको खेलने पड़ते हैं। लेकिन मुझे फ़ख्र है, मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि पंजाब के अवाम ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये कारकर्दगी ही है जिसकी वजह से इनकी अपनी, हमने अपनी सीटें तो लीस होली, PTI की अपनी, PTI तो खैर मेरे ख्याल ख़त्म हो चुकी है, तहरीके जो है वो तहरीके फसाद पार्टी जो है उसका अब जो नया नाम है सुन्नी इतिहाद तहरीक जो है, वो उन्होंने भी कल घोड़े के ऊपर निशान पे लड़ा, और कल ये भी साबित किया पंजाब के लोगों ने कि घोड़े और गधे जो हैं वो शेर के सामने नहीं टिकते, शेर शेर होता है और गधा और घोड़ा ही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।